नटवर मेरे गिरधर मेरे को पाल मुरलीधर मुझे फिर गोपिकाओं में मिला दे मधुर गो कभी तुम सामने आए कभी तुम हो गए वो जल ओ पर्दा बीती कामो हनी हटा दे ते तो क्या होता। उस समय का वर्णन है, बहुत जोर को सुनाया बाबा, बहुत जोर को सुनायो। हाँ, बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते तो क्या आ जाओ। और एक जग एक भजन और सुनाते जाते, कहो आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। उस समय का वर्णन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम चित्रकूट छोड़कर जनक बन जाते हैं। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम, दे दो राम मुझको दर्शन दे दो राम। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मैं नाम लूं हरदम तेरा, ऐसे धड़कन दे दो राम, ऐसे धड़कन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम, दे दो राम मुझको दर्शन दे दो राम। तेरे अंदर मेरी लहरें ना तो सदियों का, जैसे सागर से होता एक नाता नदियों का। तेरी मैं करूं साधना, ऐसी साधन दे दो राम, दे दो मुझको दर्शन दे दो राम। मेरी माँ बहुत साधारण दिल में आते रही हो, हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रही हो। तेरा मैं करूं मैं दर्शन दे दो राम, हम हैं सेवादार तुम्हारे, दासन दास तुम्हारे, जीवन के दिन कट जाएंगे दाता तेरे सहारे। तेरा दामन कभी न छोड़ूं मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आपने चित्रकूट का दर्शन किया है? नो। कभी आइए चित्रकूट में। ये भजन मैंने चित्रकूट सुनाया था, गोवर्धन परिक्रमा करने कल जाएंगे ना। अच्छा। हाँ, फिर सोमवार को ही परिक्रमा करके तब जाएंगे। अच्छा। हनुमान दिल्ली जाएगा, वहाँ हनुमान मंदिर है ना, वहाँ पूजन करेंगे हनुमान जी का। और आज सोमवार को कल ना पूजा होगा भोलेनाथ का, नित्य कर्म करके। ठीक है, ठीक है बाबा, श्री राधे। जय श्री राधे। कितना बढ़िया है। काम रूप की कामाख्या मैया हमको जैसे बुला रही है, माँ के आंचल चरणों में सो जैसे हमको सुला रही है। काम रूप की कामाख्या मैया हमको जैसे बुला रही है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो हम हैं यमुना जी के किनारे वृंदावन धाम के केशी घाट पर। ये देखिए, अब सारे सुख हमारे पास हैं, हमारे पास वृंदावन है, हमारे पास ठाकुर जी, तो हमारे पास क्या नहीं है। अब बताइए, ये जो धुंध है ये आपको पहाड़ों पर देखने को मिलती है ऐसी, लेकिन हमारे लिए ठाकुर जी ने यहीं सुलभ कर दी। अरन आनंद, जैसा आप वीडियोस में देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही सामने है, और विजिबिलिटी थोड़ी उससे मतलब हाई रहेगी, क्योंकि कैमरा, ये जो कैमरा है ये इतनी क्वालिटी को नहीं कैप्चर कर पा रहा एकदम ओरिजिनल। तो लेकिन ये जो फ़ोन है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ उसकी विजिबिलिटी मतलब थोड़ी हाई, मतलब थोड़ी सी लो है। ये देखो कोहरा, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त। हमारे भैया भी निकल कर आए हैं, भारत तो कह रहे
हाँ सिर्फ आवाज आ रही है, देखो आप एकदम जबरदस्त सीन हो रहा है, एकदम जबरदस्त सीन, देखने से नहीं बन रहा, मतलब इतना आनंद आ रहा है, बस देखने भर से क्या रहेगा, मन भरेगा, लेकिन जब आप यहाँ खड़े रहेंगे ना, ओ भाई मज़ा बता नहीं सकता, क्या आनंद आने वाला है। देखो जी देखो, है आनंद एकदम चकाचक। राधे राधे, ये चल दी अपने घर की तरफ। हाँ हाँ हाँ, राधे राधे भाई साहब, चकाचक आनंद है, चकाचक आनंद, बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। फोन में आपको दिख रहा होगा लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, सामने सामने तो विजिबिलिटी है लेकिन इधर की तरफ विजिबिलिटी बहुत लो है, बहुत लो है। लग ही नहीं रहा कि हम वृंदावन में हैं, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि माहौल, जैसे मान लीजिए कमरा होता है, गर्म कमरा है, अगर कमरे में हम एसी लगाते तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप उसी घर, आपको लगेगा आप कहीं ठंडे प्रदेश में चले गए। तो उसी तरह मैं हूँ तो यहीं वृंदावन में बुर्जी पे, केसी घाट पे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं पहाड़ों पर आ गया हूँ क्योंकि एटमोसफियर ऐसा क्रिएट हो रहा है। अभी देखिए सामने की ये दो बुर्जी दिख रही है, मे बी अभी इनकी भी ये भी नहीं दिखने लगेंगी अगले 5 मिनट में। और ये जो बुर्जियाँ हैं देखो, जैसे ये है ना, ये आपको ये को बाबा ऐसे सो रहे हैं बाहर, आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर ये 8 बुर्जियाँ, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आस्क किया था, ये जो बुर्जी है ना सामने, ये जो बुर्जी देखो, दूसरी हरी, तीसरी, चौथी, ऐसी 8 बुर्जियाँ, इन 8 बुर्जी में अंदर स्पेस होता है यहाँ, तो वहाँ अपने संत जो होते हैं वो सोए रहते हैं। देखो आप हाथ पे हाथ ना देख रहो गुरु, हाथ पे हाथ ना देख रहो। भैया वृंदावन आते हो दर्शन करने, उसके बाद थोड़ा सा समय निकाल के जो अन्य लीला स्थली हैं, जैसे चीर घाट है, केशी घाट है, जितने भी जो स्थान हैं वहाँ पर आप जाएं, दर्शन करें, उस लीलाओं का आनंद लें। देख रहे हो आप, आहा एकदम ठंडा हो रहा है, एकदम ठंडा। राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देख रहे हो, यहाँ पर आप कई बार आए भी होंगे दोपहर टाइम, सुबह टाइम, तो आपने देखा होगा, लेकिन आपने हमारी गर्मी की वीडियोस भी देखी होंगी, तो वहाँ पर उसको और इसको कंपैरिजन करके देखिएगा, या फिर अपने क्या करेंगे, दोनों वीडियो को एक वीडियो में ऐड करके हम दिखाएंगे, तो आपको लगेगा अरे भाई देखो। और ये पूरा है ना, ये इसमें अभी जो महीना चल रहा है ये भी इसमें वीडियो में ऐड कर देंगे कि दिसंबर टाइम में वृंदावन का जो वेदर है वो ये रहता है, आप देख सकते हैं, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कोहरा ही कोहरा है, धुंधी धुंध है। हिमाचल प्रदेश, हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हिमाचल में आ गए। जय हो जय हो जय हो।